लोग कहते हैं कि बेटियां अभिशाप है, लोग कहते हैं कि बेटियों का असम्मान रूप से देखा जाता है, लेकिन नहीं, जानवी ने वो करके दिखाया है कि बेटियों को अगर आज के दौर में अगर पैदा करते हैं तो गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। आज हमारे बीच में है जानवी, जो मुजफ्फरपुर बिहार से आती हैं और अपने कार्यों से पूरे देश में नहीं विश्व में ही अपना एक डंका बजवा रखी है। पहले तो स्वागत है जानवी। नमस्कार। कैसे, कब से शुरुआत किया और क्या किया आपकी, मतलब इस तरह थोड़ा सा परिचय दर्शकों को। जी जरूर। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जानवी, मैं 18 साल की हूँ और मैं पिछले 6-7 सालों से महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ। बिहार में जगह जगह पर घूमकर जन जागरूकता का काम करना, जेंडर इक्वालिटी के इम्पोर्टेंस को लोगों को समझाना कि जो भेदभाव है समाज में उसको हम कैसे मिटा सकते हैं एजुकेशन के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू। साथ साथ बच्चों को जो एजुकेशन स्कूल में नहीं दी जाती है, जैसे पीरियड्स के बारे में एजुकेट करना, सेक्स एजुकेशन देना, वो काम हमारी इनिशिएटिव करती आ रही है और आज के डेट तक हम लोग 50,000 से ज्यादा महिलाओं तक पहुंच चुके हैं। और रही बात मेरी जर्नी की, तो अभी पिछले साल मुझे भारत की राष्ट्रपति जी द्वारा भी सम्मानित किया गया था और मैंने किताबें भी लिखी हैं और उसके अलावा मैं मिस टीन इंडिया 2022 भी रह चुकी हूँ। तो ऐसी मिली जुली सी जर्नी। बताए ना कि गर्व होने लगेगा जब जानवी के बारे में, जहाँ लोग कहते हैं कि सेक्स की बातें बेटियों से नहीं कर सकते, जहाँ लोग कहते हैं कि क्या पीरियड की बातें बेटियों से नहीं कर सकते। जानवी जी, नहीं लगा कि मैं बेटी हूँ, सेक्स की बात करूंगी, पीरियड की बात करूंगी तो लोग मुझे कहेंगे क्या? कभी निंदा नहीं होता था? निंदा तो बहुत हुई, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप सच्चाई के लिए काम कर रहे हो तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता लोग। उम्र अभी अब 18 वर्ष की हुआ, इससे पहले ही आप सेक्स के बारे में इतना जानती हैं, पीरियड के बारे में जानती हैं, आखिर ये सब कैसे मन में आया कि हमें इसी लाइन पे चलना है, यही आपको विश्व रिकॉर्ड करा सकता है, कैसे मन में आया? शुरुआत तो हुई थी जेंडर इक्वालिटी से। जब मैं 11 साल की थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि जेंडर इक्वालिटी को लेकर बहुत कुछ है हमारे समाज में जो शायद अब तक लोगों तक पहुंच नहीं पाया है। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं, बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जो आज तक एग्जिस्ट कर रही हैं। तो शुरुआत तो हुई थी उनके ऊपर काम करने से, मम्मी पापा से सारी बातें पता की, बहुत सारा रिसर्च किया, देखा कि जेंडर इक्वालिटी क्या है और तब जाकर समझ में आया कि ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है। यूनाइटेड नेशंस ने इसे अपने 17 SDG गोल्स में भी गोल नंबर 5 पे जगह दे रखी है। तो शुरुआत तब हुई। उसके बाद जब जैसे जैसे उम्र बढ़ी, एक्सपीरियंस बढ़ा, तब समझ में आया कि नहीं, जेंडर इक्वालिटी के साथ साथ पीरियड्स के राउंड भी उतना ही स्टिग्मा है। अगर मुझे स्कूल में सेक्स एजुकेशन नहीं मिली है तो किसी भी बच्चे को नहीं मिली है, ऑब्वियस सी बात है। तो क्यों ना हम इसको लेकर, अगर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, अगर मेरे पास एक वॉइस है जिसका मैं इस्तेमाल करके और बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए कुछ कर सकती हूँ, तो क्यों ना मैं इसका यूज करूँ। तो शुरुआत तो यहीं से हुई थी। अब देखा, देख लीजिए जानवी जी क्या होता है, 11 वर्ष, जहाँ से लोग कहते हैं कि 11 वर्ष बाल्य अवस्था होती है, लड़कपन होता है और उस समय अबोध बात बताया जाता है और उस समय आपको पीरियड का ज्ञान होना, सेक्स का ज्ञान होना बहुत बड़ी चीज है। अगर बात कर लिया जाए कहाँ कहाँ सेक्स को लेकर, पीरियड को लेकर मतलब आप पहुंची हैं। जी, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गांव में जाते हैं और वहाँ के स्कूल्स में जाकर, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो कोई भी सरकारी विद्यालय हो, चाहे घरों में जाकर लोगों से बात करते हैं। मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल थोड़ा ओपिनियन है जेंडर इक्वालिटी को लेकर, कि आज सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारा जो एक्टिविज्म है वो सिर्फ ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन हर कोई खुद को फेमिनिस्ट बता रहा है, ऑनलाइन हर कोई कह रहा है कि जेंडर इक्वालिटी के लिए ये करो, पीरियड्स के लिए वो करो, लेकिन एक्चुअल में जिन लोगों को जरूरत है, जो धरातल से जुड़े लोग हैं, जो ग्रास रूट पे रहने वाले लोग हैं, जिनके पास शायद बेसिक नेसेसिटीज पूरे करने के भी पैसे नहीं है, ये प्रॉब्लम तो उनके साथ भी है ना। तो उनसे बात करने के लिए तो मुझे उनकी भाषा में उनसे बात करना पड़ेगा। अगर मैं एक ऐसी लोकेलिटी में जा रही हूँ जहाँ पे जो लोग हैं वो थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड हैं और मैं वहां पर पूरा बन ठन के जाऊँ, इंग्लिश में उन्हें समझाऊं, कोई फायदा नहीं है। क्या बात है, क्या बात। तो मेरा ये मानना है कि हमारा जो इनिशिएटिव है गर्ल लवचिक का, हम लोग इंटरपर्सनल कॉन्वर्सेशंस, आपकी क्या प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं कि हर किसी की प्रॉब्लम का सलूशन है, कोई कुछ फेस कर रहा है, कोई कुछ फेस कर रहा है, तो हम किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं, या आपको काउंसलिंग की जरूरत है, आपको बातचीत की जरूरत है, आपको रिसोर्सेज की जरूरत है, जैसे भी हो सके मदद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देख लीजिए बहुत बड़ी बात है। आज के लोग जहाँ कहते हैं कि नहीं समाज में इसको हम कैसे बयां करेंगे, वही क्या होता है कि जाती है और चीखती हैं, चिल्ला चिल्ला के बताती हैं कि इसको अब छुपाने की जरूरत नहीं है। क्या जानवी जी, खुल के बात करिए, चाहे सेक्स हो चाहे क्या होता है, पीरियड चीज है, कहीं कहाँ ऐसा लगा कि नहीं यार बड़ा ये चीज गंदा बात कर रही है या फिर इस तरह से, कभी ऐसा लगा?
खुद में तो नहीं लगा लेकिन लोगों ने लगाने की पूरी कोशिश की कि इसको लगे कि तुम कुछ गलत कर रही हो, अच्छा, तुम गलत बोल रही हो। सेक्स की जब बातें आती तो आदमी शर्मा जाते हैं, और एक लड़की के सामने अगर सेक्स की बात किया जाए तो वहाँ शर्मा, तो कैसा कौन सा दौर था जहाँ आपने सेक्स की बातें की या फिर क्रिएट के बारे में, तो वहाँ लोग शर्मा गए। देखिए दरअसल हुआ क्या ना कि मेरी परवरिश इस तरीके से की गई है कि हम दोनों भाई बहनों के साथ बहुत ओपन कॉन्वर्सेशन रखा है हमारे माता पिता ने, बहुत रिस्पेक्टफुली हमें चीजों के बारे में समझाया बताया है। तो मुझे लगा कि अगर ये एनवायरनमेंट हर बच्चे को मिले, जिस तरह से मैं और मेरे भाई बहुत ओपन माइंडेड है, ओपन माइंडेड होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके अंदर संस्कार नहीं है, वो अलग बात हो गई। जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा है, अगर हम उसके बारे में भी अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, तो फिर तो वो गलत इन्फॉर्मेशन लेंगे ना इंटरनेट पे से, दोस्तों के थ्रू। ऐसी बातें जिनको नहीं पता होनी चाहिए वो पता चल जाएंगी, और जो एजुकेशन उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाता है। तो शुरुआत में तो लोगों ने बहुत निंदा की सोशल मीडिया से, सामने से, कि ये गलत बातें हैं, ऐसे मत बोलो, लड़की हो, क्योंकि हमारा जो परिवेश है बिहार का वो इतना ज्यादा नहीं है खुला हुआ कि हम कुछ भी बोल दें किसी के भी सामने। लेकिन मेरे माँ बाप ने पूरी कोशिश की इंश्योर करने की कि तुम जो बोल रही हो बिल्कुल सही बोल रही हो, और उन लोगों का सपोर्ट हमेशा रहा। ऐसा नहीं लगा कि अभी 18 वर्ष की नहीं हुई है और सेक्स की बातें करने लगी, पीरियड की बातें करने, वहाँ कभी ऐसा लगा कि नहीं? देखिए आज का जो युग है इसमें बच्चों का जो एक्सपोजर है सेक्स से ये बहुत अर्ली है पहले के कंपैरिजन। पहले के जमाने में ये एज ज्यादा हुआ करता था, 17-18 बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिलती थी, लेकिन अब तो बच्चे 11-12-13 साल की उम्र से ही हर चीज उनके सामने है, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, संगत, दोस्ती, यारी, उन्हें सब कुछ तो पता चल ही रहा है। लेकिन अगर आप एक पेरेंट होने के नाते या एक गार्जियन होने के नाते अगर अपने बच्चे को बताएंगे तो उसको ये रियलाइज होगा कि ये इम्पोर्टेंट है। तभी मम्मी ने बताया, तभी पापा ने बताया, या फिर स्कूल में। मुझे याद है जब हमारी सेक्स एजुकेशन की क्लास थी स्कूल में, तब हमें कुछ भी नहीं बताया गया था। वो बस ऐसा था कि लड़कियों को एक कमरे में बिठा दिया, लड़कों को अलग कमरे में बिठा दिया, और पता नहीं क्या ही बता दिया गया था हमें। और उस पूरी क्लास में सेक्स वर्ड का या पीरियड्स वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं हुआ था, कुछ ऐसा सा पता नहीं क्या ही बताया गया था। तो वही चीज मुझे बहुत वो लगी जब समझ आई कि अरे तो गलत हो गया मेरे साथ, अगर घर पे नहीं बताया जाता तो फिर मेरी भी हालत वैसे ही होती, अनएजुकेटेड, अनअवेयर। तो इसीलिए एजुकेशन पे फोकस करना जरूरी है। बिल्कुल। क्या आप चाहती हैं कि हर स्कूल में एक जैसे हिंदी, इंग्लिश, जो भी होता है, अगर देखा जाए विषय कह लिया जाए, अगर होता है तो चाहती हैं कि एक विषय सेक्स का भी हो, एक विषय क्या होता है कि पीरियड का भी हो, आप चाहती हैं क्या ऐसा? बिल्कुल मैं चाहती हूँ, सेक्स एजुकेशन हो गया, पीरियड्स की एजुकेशन हो गई, ये हर बच्चे को मिलनी चाहिए। ये आपका राइट है एक तरीके से, अपनी बॉडी के बारे में जानना, अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानना। तो ये एजुकेशन स्कूल्स में दी जानी चाहिए। स्कूल्स में देने से क्या होगा ना कि बच्चों को सही अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एक बड़े एक्सपीरियंस इंसान के द्वारा मिलेगी। ऐसा होता है ना कि जो गलती होती है जी, बिल्कुल होता क्या है कि कम एज में, क्योंकि इस एज में हार्मोनल इंबैलेंस बहुत ज्यादा होता है, बच्चे रिलेशनशिप्स में आते हैं जिस कारण से वो फिजिकल भी होते हैं एक दूसरे के साथ, अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, फिर वो दवाई खाते हैं, बहुत कुछ इफेक्ट उनकी हेल्थ के ऊपर पड़ता है। लेकिन अगर उन्हें बता दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा तुम्हारी एज में होगा, ये तुम्हारे हार्मोन्स ऐसे चेंज होंगे, तुम्हारी बॉडी है, अगर हम उनके उन्हें बॉडी की रिस्पेक्ट करना सिखा देंगे ना कि ये तुम्हारी बॉडी है, इसकी इज्जत करो। ऐसा नहीं है कि इसमें जैसे पीरियड्स होते हैं तो औरतों को बहुत शर्मसार महसूस कराया जाता है कि ये ग्रोस है, ये डिस्गस्टिंग है, ऐसा ना फील कराकर हमारा काम है उनको उनकी बॉडी के बारे में खूबसूरत फील कराना, उनको बताना कि ये आपकी स्पेशलिटी है, आप एक औरत हैं तो इसमें आपकी खूबसूरती है, ये आपको एज अ वुमन डिफाइन करती है, ये आपको एज अ वुमन निखारती है। तो ये सब कहाँ बातें करते हैं हम लोग को, तो बस यही है कि अचार मत छुओ, मत करो, फूल पत्तियों को मत छुओ, हम तो यही कर रहे हैं ना, हम तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही प्रॉब्लम है। देखिए बहुत बड़ी बात है, और अभी आपने अशोका क्या वो चेंज में मेंबर बने, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। और कैसे वहां तक अशोका चेंज मेंबर कैसे बन गई, उसका थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी जरूर। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे अशोका यंग चेंज मेकर के रूप में चुना गया। अशोका का जो नेटवर्क है और अशोका जो फेलोशिप है वो दुनिया की सबसे बड़ी फेलोशिप है जो किसी भी सोशल एंटरप्रेन्योर को दी जाती है, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में बदलाव लाने के लिए काम कर रहा है अपने इनिशिएटिव के थ्रू। तो उन्होंने 2020 में ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि बड़े उम्र के लोग तो कर ही रहे हैं जो 25 से ऊपर के हैं, लेकिन आजकल यंग बच्चे भी बहुत ही अच्छी अच्छी इनिशिएटिव्स अपने चला रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने 2020 में अशोका यंग चेंज मेकर्स प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसके तहत वो लोग हर साल 11-12 लोगों को चुनते हैं एज अ चेंज मेकर। इस साल भी 900 से ज्यादा एप्लीकेशंस पूरे देश से गए थे बच्चों के, जो अपने अपनी इनिशिएटिव्स चला रहे हैं। बहुत सारी इनिशिएटिव्स थे जिनमें
मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई काम कर रहा है, कोई क्लाइमेट के ऊपर काम कर रहा है, कोई प्लास्टिक से रोड बनाने के लिए काम कर रहा है, मैं जेंडर इक्वालिटी पे काम कर रही हूँ। तो ऐसे ही हम 11 चेंज मेकर्स को चुना गया पूरे देश से, जो हम खुद को अशोका यंग चेंज मेकर कह सकते हैं। बताइए 11 देशों में से भारत की अगर गरिमा कोई बढ़ाने वाली है वो है क्या होता है कि अगर बात कर लिया जाए, जाह्नवी जी हैं जो गजब की हैं। आप सोच सकते हैं कि जाह्नवी 18 वर्ष की उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धियों को पाना। आजकल के लोग कहते हैं कि अरे अभी बच्चे हैं, अभी बच्चे हैं, 18 वर्ष के बाद इनकी गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा, और 18 वर्ष में ही आपने सारी चीजों को मतलब विश्व रिकॉर्ड बना के रख दिया जाह्नवी जी। अरे कभी नहीं लगता है कि नहीं मैं यहाँ तक आ गई हूँ, और क्या करना चाहती हैं आप? देखिए मेरे हिसाब से प्रतिभा की या फिर कुछ करने की इच्छा की कोई उम्र नहीं होती है, आप किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं। मैंने बहुत जल्दी शुरू किया, मैं 11 साल की थी तब से काम कर रही हूँ। हो सकता है किसी को 50 साल का होने के बाद रियलाइज हो कि अब मुझे काम करने की इच्छा जागी है, अब मुझे ये करना है। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत पहले रियलाइज हो गया, और साथ साथ मुझे वैसे रिसोर्सेज मिले, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छी परवरिश मिली, जिसने मुझे डायरेक्शन में रखा, उस रास्ते पर रखा कि मैं कुछ ना कुछ करती जाऊं। और सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने माता पिता के अलावा किसी को देना चाहूंगी तो वो एक्सपीरियंस को देना चाहूंगी। एक्सपीरियंस से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं, कोई भी दुनिया की नॉलेज, कोई भी दुनिया की किताब आपको वो नहीं सिखा सकती जो आपको आपका तजुर्बा सिखा सकता है। जो लोगों से मिलकर बात करने से, काम करने से ही आएगा, वो घर बैठे कभी आ ही नहीं सकता है। लास्ट सवाल आपसे अब करेंगे, जिस तरह से बिहार है, बिहार में लोग कहते हैं कि लड़कियां सीधा कर दिए सेक्स को लेकर या पीरियड को लेकर शर्माती हैं और गलत कर जाती हैं और बाद में खूब वीडियो वायरल हो जाता है, राइट है? लेकिन सीखिए, जाह्नवी जी से सीखिए, और आपके मुंह पे एक तमाचा भी है कि जाह्नवी ने सब कुछ 18 वर्ष की उम्र में, कम ही उम्र में सब कुछ कर डाला, किसी को पता ही नहीं चला, विश्व रिकॉर्ड बना डाला। अब इनसे सीखने की जरूरत है। आजकल की लड़कियां डांस करने लगती हैं, आजकल की लड़कियां रील्स बनाने लगती हैं, लेकिन इन्होंने ना रील्स बनाया ना डांस, और अपने आप को इस लेवल पे बना दिया कि आप इनको देखकर शर्म से झुक जाएंगे। कम से कम सीखना चाहिए। अब ये लास्ट सवाल जी सर से, इतने कम उम्र में डॉक्टर की उपाधि कैसे? लोग करते हैं कि PhD करना पड़ेगा, डॉक्टरी करना पड़ेगा, उसके बाद डॉक्टरी का उपाधि, और आपको 18 वर्ष में डॉक्टर की उपाधि कैसे? डॉक्टरेट का मतलब होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, आप उस फील्ड के मास्टर हैं, आपको लगभग बातें पता हैं, आप एक एक्सपीरियंस लर्न्ड इंसान हैं। अच्छा। उसी तरह से मुझे डॉक्टरेट मिला सोशल सर्विस के सेक्टर में, कि मैं बचपन से ही जब इसी फील्ड में काम कर रही हूँ, और बहुत सारा जो मेरा ज्ञान है वो मेरे पास है, और जिस ज्ञान के नाते मैं डॉक्टरेट डिजर्व करती हूँ, डिजर्विंग होने के नाते मुझे ये डॉक्टरेट साउथ कोरिया की एक यूनिवर्सिटी, बुसान क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी फॉर फॉरेन स्टडीज के द्वारा मुझे ये डॉक्टरेट भी इसी साल पॉन्डिचेरी में दी गई। बाप रे बाप, बधाई हो आपको, और ऐसे ही आप चमकते रहिए। ऐसे अगर बेटियां होना, लोग कहते ना कि बेटी होना अभिशाप, मैंने पहले ही कहा, लेकिन गर्व है वो, गर्व करता होगा वो बाप, और गर्व करती होगी वो माँ जो जाह्नवी जैसे बेटिया को जन्म देती है। मित्रों कहीं ना कहीं बिहार जैसे लोग शहर में, बिहार जैसे राज्य की अगर बात कर लिया जाए, बिहार ही नहीं अब तो पूरे देश को एक बार इनसे सीख लेना चाहिए, देश के बेटियों को सीख लेना चाहिए कि अपने बिहार में ही नहीं, अपने भारत में नहीं, पूरे विश्व में जाके रिकॉर्ड, बाहर बाहर अगर देखा जाए तो न जाने कितने देशों में जाकर इन्होंने अपना एक अलग पहचान बताया। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनको थोड़ा सा समय नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगली बार अगर मुलाकात होगी तो विधिवत आपको जानकारी फिर से देंगे। और जाह्नवी जी का ट्रेन है, आज मेरे कहने से रुक गए हैं, और मैं आया तो अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र, और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।